नाम है सोनाली पांडे और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट उत्कर्ष शर्मा. ही इज एन एक्स ACC एट NDA. नहीं समझ में आया. ही इज एन एक्स अकेडमी कैडेट कैप्टन एट नेशनल डिफेंस अकेडमी. प्लीज वेलकम उत्कर्ष शर्मा. हाय उत्कर्ष. तो उत्कर्ष शर्मा, आपको अभी रिसेंटली नवंबर में आप पास आउट हुए हो NDA खड़कवासला से. आपको पास आउट होकर क्या फीलिंग आ रही है, अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है. हर जगह से कंग्रेचुलेशन. वैसे ACC पास आउट होना तो और ज़्यादा. Ladies and gentlemen, the parade is now lined up for review. The cadet commanding the parade is Academy Cadet Captain Utkarsh Sharma. We wish the cadets of the 139th course good fortune and glorious years of service to the nation in keeping up with the highest traditions of the academy and living up to its motto. Service before self. तो हम उत्कर्ष से जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में कि उन्होंने NDA क्रैक कैसे किया, रिटन एग्जाम से लेके SSB के वो 5 दिन कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा उन 5 दिनों में, और आगे आने वाला जो NDA खड़कवासला का एक्सपीरियंस था 3 साल का वो कैसा रहा. तो जर्नी काफी लंबी है, थोड़ा बैठ के बात करते हैं. तो उत्कर्ष, जैसे हमें पता है कि एक बच्चा NDA में जाने के लिए नेशनल डिफेंस अकेडमी में एडमिशन पाने के लिए वो 10th 12th से सोचने लगता है कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा. तो 10th और 12th में हमारे बोर्ड्स होते हैं, नॉर्मली उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं स्कूल टाइम पे. लेकिन अगर हमें किसी डिफेंस एग्जाम को क्रैक करना है तो हमें उसकी प्रिपरेशन के लिए अलग से सोचना पड़ेगा, या मे बी आप 12th के साथ ही प्रिपेयर कर सकते हो. तो आपने आपका जो NDA रिटन एग्जाम था, जो स्टार्टिंग थी, बिल्कुल जो स्टार्टिंग लाइन थी, वो कैसे वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो कैसे क्लियर किया आपने? NDA के बारे में 11th क्लास में पता चला था मुझे कि ऐसे ऐसे होता है और रिटन एग्ज़ाम देना है, फिर SSB वगैरह. रिटन में ये सिलेबस आता है मेनली 11th 12th क्लास का. तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम मैंने दिया था क्लास 12th अपीयरिंग में सितंबर में. तो वो रिटन ऑब्वियसली क्लियर नहीं हुआ क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था 12th क्लास का और मेनली मैथ्स होता है. फिर उसके बाद जब बोर्ड्स ख़त्म हुए 12th क्लास के 10th अप्रैल को, NDA एग्ज़ाम था 23rd अप्रैल को, तो उस टाइम पर मैथ्स भी टिप्स पर था और बाकी सब चीज़ थोड़ा सा प्रिपरेशन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का करना था. तो मीनवाइल ये जो टाइम था इसमें उन दोनों को प्रिपेयर किया और रिटन हो गया क्लियर उस टाइम पे. और वर्ड ऑफ एडवाइस, मैथ्स इज़ रियली इम्पॉर्टेंट क्लास 11th और 12th का. तो उससे 11th 12th के मैथ से और थोड़ा बहुत जो भी साइंस आता था 10th तक जो भी पढ़ा था, जनरल नॉलेज मेरा ऐसे ही है, करंट अफेयर्स थोड़ा सा पढ़ लिया था उससे हो गया. तो 10th 12th में भी जैसे हमारे घर नॉर्मली न्यूज़पेपर आते हैं या जो भी हमारा करंट अफेयर्स हम न्यूज़ में देखते हैं या जैसे भी देखते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग वो इनफ होता है NDA के लिए प्रिपेयर करने के लिए कि जो हमारे आसपास की जो बेसिक अवेयरनेस है वो होनी चाहिए हमें, और 10th और 12th के साथ ही हम प्रिपेयर कर सकते हैं एक तरीके से NDA के लिए? हाँ बिल्कुल, जनरल अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके. अगर आपको पता है आपके आसपास क्या चल रहा है, मोर देन इनफ. न्यूज़पेपर से पता लग जाता है, न्यूज़ चैनल्स हैं बहुत सारे, आजकल तो फ़ोन है, दिखाया फीड आ गई सब कुछ. ओके. तो ये सब देख के ना. ओके. तो आपने अपना NDA रिटन एग्ज़ाम बिल्कुल स्मूथली वैसे क्लियर किया. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि NDA एग्ज़ाम के बाद क्रैक करने के बाद आपने आपको पता लगा कि SSB होती है उसकी, तो आपने अपनी SSB दी. उस SSB रिटन एग्ज़ाम के बीच का टाइम कितना होता है और
आपने SSB के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया, मतलब वो टाइम आपके लिए कैसा था जब आपको पता लगा कि आपने ओके NDA अब डिफेंस एग्जाम आपने क्लियर कर लिया अपनी लाइफ का, जो कहीं ना कहीं इंसान सोच के रखता है कि ड्रीम है, और तो वो पार्ट कैसा रहा जो बीच के महीने थे, आपने खुद को प्रिपेयर कैसे किया SSB के 5 दिनों के लिए? रिटन एग्ज़ाम जब हम देते हैं उसका रिज़ल्ट 1.5-2 महीने में आ पाता है, तो तब तक तो कुछ नहीं था, फिर जब रिज़ल्ट आया पता चला कि हाँ ये क्लियर हो गया है, तब SSB में भी टाइम था. मेरा SSB था 28th of August, तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम है. सबसे पहले तो मैंने देखा रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं जो मुझे करना है. सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, बाकी तो आपके अंदर है या नहीं वो देख लेंगे वो लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कम्युनिकेट. तो मैंने सोचा सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारते हैं, थोड़ा ब्रश अप करते हैं. तो मैंने यहीं घर के पास में ही थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन किए. ओके. और फ़ायदा भी हुआ काफ़ी उससे, क्योंकि मेरे सामने ऑडियंस थी और मैं बोले जाता था और मैं काफ़ी बोलता था उनके सामने. तो मैंने 1 महीने के लिए वो किया. फिर उसके बाद पता चला मुझे कि SSB में और चीज़ें होती हैं ये. फिर 1 महीना और था मेरे पास में SSB के लिए, तो मैंने सोचा एक क्रैश कोर्स 2 हफ्ते का SSB का करते हैं. तो मैंने दिल्ली से बालनोई एकेडमी से ये 2 वीक्स वाला क्रैश कोर्स किया SSB के लिए, और फिर वहाँ से मेरा ये कोर्स 13th of August को शुरू हुआ. ये ख़त्म हुआ 26th को. 27th को मैं घर आया, फिर वहाँ से डायरेक्ट देहरादून SSB. तो ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया, लेकिन सही रहा, सारी चीज़ टाइम पर हो गई. तो SSB के लिए कुछ इस तरह से प्रिपेयर किया था. ओके. तो आप, जैसे कि हमें पता है कि हम अपने 12th के साथ 10th के साथ, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर आप पढ़ते हो, तो ऑब्वियसली बात है इंसान स्पोर्ट्स में रहता है, पढ़ाई करता है, दोनों चीज़ें. कुछ बच्चे होते हैं जिनका मैंने सुना है और ये देखा है कि वो दोनों चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं लैक कर जाता है स्पोर्ट्स हमारे स्कूल टाइम से. तो आपको कितना लगता है कि आपके स्कूल टाइम में क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है स्पोर्ट्स का एक बच्चे की लाइफ में, क्योंकि वो आगे ऑब्वियसली बात है आपकी फिटनेस में ज़रूर काम आएगा, बट और चीज़ों में जैसे ड्रीम्स हुए, आपको डिफेंस में जाना है, तो स्पोर्ट्स ऑब्वियसली नीडेड है. तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसका बैलेंस भी काफ़ी ज़रूरी है. तो आपने अपने स्कूल टाइम में उसको कैसे बैलेंस रखा था? स्पोर्ट्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अगर आपको फिट रहना है तो. तो स्कूल में भी मैं स्पोर्ट्स कैप्टन था, तो आई लव्ड स्पोर्ट्स वेरी मच. तो एक अलग ही लगाव रहा है स्पोर्ट्स से. हाँ, पढ़ाई भी ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है, मानते हैं. लेकिन उसके साथ में अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल पाते हैं स्पोर्ट्स के लिए, ऐसा तो है नहीं कोई पूरा दिन 24 आवर्स पढ़ाई कर सकता है. नहीं, तो अगर हम 1-2 घंटे खेलने के लिए निकाल भी लेते हैं तो क्या जा रहा है. तो स्पोर्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का, और स्कूल टाइम से ही काफ़ी मैं इसकी तरफ अट्रैक्टेड रहा हूँ. और पढ़ाई भी साथ में चलती रही है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं हुआ. कॉम्प्रोमाइज़ स्पोर्ट्स ही हो गया है पढ़ाई की वजह से, लेकिन कभी पढ़ाई से नहीं हो पाया. तो आई थिंक वो स्पोर्ट्स आपका जो आपने स्कूल टाइम में खेला, और एक बैलेंस जो लाइफ आपने रखी अपने तब वाली लाइफ में, वो आपके बहुत काम आई आगे 12th के बाद. तो हाँ, आई थिंक जो अभी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उत्कर्ष NDA के लिए या फिर किसी भी डिफेंस एग्जाम्स के लिए, और जो अपना स्कूल वाली लाइफ अभी जी रहे हैं, उनको आप पीस ऑफ एडवाइस क्या देना चाहोगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी के लिए? सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि वो खुद को एक्टिव रखें, हेल्दी रखें और पढ़ते रहें. उनके हाथ में अभी सिर्फ पढ़ाई है, पढ़ेंगे जब भी तो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, उसके बाद हैं बाकी चीज़ें. बिल्कुल. और उस पढ़ाई के साथ साथ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा टाइम अपनी स्पोर्ट्स को, गेम्स को, जो भी वो खेलना चाहें, बिल्कुल, उनको जो भी अच्छा लगता हो उसको दें, बस और कुछ नहीं. बिल्कुल. ओके. तो ये तो रहा आपका NDA वाला पार्ट कि आपने एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया, आप SSB के लिए प्रिपेयर करके कैसे गए देहरादून में. तो बात करें अगर SSB की, वो 5 दिन जो मेन होते हैं वहाँ पे, स्क्रीनिंग से लेके लास्ट इंटरव्यू, मेडिकल और ये सब क्लियर करने तक आपका वो जो जर्नी थी वो 5 दिन की, वो कितनी ज़्यादा लाइफ चेंजिंग थी, और क्या क्या सीखा आपने उन 5 दिनों में, एक्सेप्ट द फैक्ट कि आपका SSB आपने क्रैक किया और आप NDA खड़कवासला गए, वो अगर आप अलग रखें तो आपका वो 5 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ का, और क्या क्या हुआ उन दिनों में, 5 दिनों में? वो जो 5 दिन थे आई कैन नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हैं.
सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं रिकमेंड हो गया, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखी मैंने और बहुत सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली दूसरे लोगों में जो मैं अडेप्ट कर पाया. बहुत सारे फ्रेंड्स बने नए नए और शुरुआत से ही एक तो अलग ही एनवायरनमेंट था वहाँ पे. सब लोग मतलब अलग ही थे. मैं तो ऐसे फील करता था मैं कहाँ ही आ गया हूँ यहाँ पे, ये सब टाई वाई लगा के घूम रहे हैं, मैं सीधा साधा सा बच्चा स्कूल का. और वहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग थे जिनसे बात करके बहुत अच्छा भी लगा. फर्स्ट डे स्क्रीनिंग थी, स्क्रीनिंग में हम लोग सब खड़े हुए थे ऐसे ही, तो स्क्रीनिंग में वही ग्रुप डिस्कशन वगैरह स्टोरी राइटिंग वो सब हो गया था. हम लोग खड़े हुए हम बात कर रहे थे ऐसे ही मज़े कर रहे थे. फिर रिजल्ट अनाउंस करने के लिए कोई आया तो उन्होंने बोला कि मैं जिन जिन के नाम लेता हूँ वो लोग अपना सामान उठाएं और आगे निकलते जाएं. तो हमें लगा ये वो हैं जिनका टाटा वाइबा हो गया. तो उसमें धीरे धीरे नाम आए, मेरा चेस्ट नंबर था 57. तो उसमें मेरा भी आया चेस्ट नंबर 57. मैंने सोचा ये तो गया. कोई नहीं, मज़ा आया इसमें, इतने सारे लोग मिले. मैंने सबको बाय बोला, चलो मिलते हैं बाद में. मैंने अपना लगेज उठाया, मैं साइड में आ गया. फिर हम लोगों ने जिन जिन्होंने लगेज उठाया था उनको बोलते हैं आप लोग यहाँ वेट करें, बाकी आप लोग सॉरी ट्राई नेक्स्ट टाइम. तो वो देख के समझ में आया ये कितना रखते हैं, एक मोमेंट ऑफ सरप्राइज रखते हैं फौज में. एक वो था, बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे, मज़ा आया. फिर उसके बाद शुरू हुई जर्नी, दैट वाज द बिगनिंग. और वो बिगनिंग ही खतरनाक थी. उसके बाद हमने दूसरे दिन से शुरू किया, हमारे बहुत सारे टेस्ट हुए. जो भी हैं होते थे वो भी भूल गया मैं जो भी थे उनके नाम, लेकिन बहुत सारे थे. हमारा सुबह सुबह होता था, सुबह सुबह जल्दी चले जाते थे 12 बजे तक फ्री. और उसके बाद 12 बजे से पूरा रात का टाइम है आपके पास, आपको जो करना है करो. बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, सब चीज़ है, फुटबॉल ग्राउंड है पूरा, टेबल टेनिस, तो बहुत सारी चीज़ थी करने के लिए. आप बाहर भी घूम सकते हो. तो मुझे तो अपने जैसे लोग मिल गए थे वहाँ पे खेलने वाले. तो 12 बजे ख़त्म करके हम लोग अपना चेंज वेंज करके जल्दी से आके जल्दी से टीटी बैट पकड़ते थे ताकि कोई और ना ले ले, और हम टीटी खेलते थे ना दिन वहाँ पे. तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अभी तक याद है मुझे कि कैसे हम जल्दी से टेस्ट वेस्ट देखें. टेस्ट का इतना कुछ प्रेशर नहीं था क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये मेरा लास्ट चांस है, ऐसा नहीं था कि मैं इसके बाद कुछ और नहीं करूँगा. हमारा ये था कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जस्ट ग्रैब इट, और अगर होता है तो अच्छा है, नहीं तो हम फिर से ट्राई करेंगे और कुछ करेंगे. तो उस मोमेंट को आप एंजॉय करके आए हो अच्छे से और बिल्कुल अपने अंदर ढाल के आए हो चीजों को. उसमें बहुत मजा आया और ऐसे ही फिर 2-3 दिन चला. बेस्ट डे था इंटरव्यू वाला, ऑब्वियसली इंटरव्यू तो खतरनाक चीज है और इतनी भी नहीं है, वैसे मजा आता है. इंटरव्यू में आपको क्या लगता है कि इंसान को कैसे रहना चाहिए, क्योंकि ना मैंने देखा है कि नॉर्मली क्या होता है कि हम अगर इंटरव्यू, जैसे मैं भी अगर किसी जॉब इंटरव्यू में जाती हूँ या कुछ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा मतलब आपको या तो जिस कंपनी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको थोड़ा सा उसके हिसाब से मोल्ड होना पड़ता है कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या कंपनी प्रोफाइल है, ये वो क्या कंपनी चाह रही है, क्राइटेरिया क्या है लेने का कैंडिडेट का, तो कहीं ना कहीं मोल्ड होना पड़ता है. पर मेरे साथ क्या है कि मैं ना मोल्ड नहीं हो पाती बिल्कुल भी. मुझे लगता है आप जैसे हो आप वैसे ही अगर रहोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है. तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया इंटरव्यू में, कि क्या आपने कुछ अपने आप को चेंज किया उस इंटरव्यू के लिए, या फिर जैसे आप थे आप एग्जैक्टली वैसे ही गए वहाँ पे और आपने वैसे ही शो किया उन्हें आप जैसे थे, तो कुछ आप इंटरव्यू के बारे में बताओ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस. इंटरव्यू जो उनकी जो कंपनी है, दे वांट यू एज यू आर. ओके, बस कुछ मोल्ड वोल्ड होने की जरूरत नहीं है, अगर हो गए तो पता चल जाएगा तो वो आपको अलग से मोल्ड कर देंगे. अच्छा. तो जस्ट शो देम हु आर यू, ठीक है. तो बस ऐसे ही बताना है उनको और ज़्यादा बनना नहीं है. हाँ. जो हो वो दिखाओ. मेरा तो ऐसे ही था. हाँ. बाकी लोगों के चलते थे एक एक घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे इंटरव्यू चलता है, मेरा 45 मिनट्स का था. आई जस्ट आंसर्ड व्हाट दे आस्क्ड. और मज़ेदार चीज़ है, एक तो लोग क्या होते हैं नर्वस हो जाते हैं. हाँ. कि मेरा इंटरव्यू में क्या करूँगा. मैंने देखा 2-3 लोग मुझसे आगे जा रहे थे मेरा इंटरव्यू में, कि ऑल द बेस्ट. मैं ऑल द बेस्ट से क्या होगा, ठीक है कुछ भी हो ले तो ले. फिर उसके बाद वो जाते थे आते थे, यार मेरा ऐसे ऐसे हुआ बढ़िया हुआ. यानी कि ठीक है. मेरे इंटरव्यू से पहले आई वॉज नॉट इवन वेयरिंग अ टाई, बाकी सब टाई में जा रहे थे. मैं देखा यही टाइम है, यही टाइम है. फिर मैंने जो फ्रेंड्स तो बनी जाते अच्छे, एक इंटरव्यू दे के आया, मैंने उसको बुलाया टाई देना, बोलते हाँ ले. तो मैंने उसकी टाई पहन के फिर मैं गया. तो आई वॉज दैट कैजुअल, ठीक है, कैजुअल नहीं कह सकते, सीरियस था लेकिन नर्वस नहीं था. तो इंटरव्यू में गया, शुरुआत हुई, थोड़ा सा
पूछा उन्होंने, मैंने बताया, फिर जैसे जैसे बात होती गई वैसे वैसे मुझे भी मज़ा आता गया और उन्होंने जो जो पूछा मैं बताता गया। बस कुछ हाईलाइट, कुछ पता है आपको, कुछ याद हो आपको उसका कि किस तरीके के क्वेश्चंस थे और आपने जवाब किस तरीके से दिया? क्या बिल्कुल बिल्कुल आप प्लीज़ शेयर करो कि क्या किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे आप उनको आंसर। उन्होंने एक चीज़ पूछी थी मुझसे, एनडीए का मोटो। ओके, एट दैट टाइम आई डिडंट नो, तो मैंने बोला आई डोंट नो। बोलते हैं अच्छा, तो मैंने बोला आई विल टेल यू लेटर। बोले ओके। और फिर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जो मुझे नहीं पता थी। मैंने उनको हर चीज़ में बोला आई टेल यू लेटर, आई टेल यू लेटर। वो एक फनी मोमेंट था मेरा इंटरव्यू का। और एक क्वेश्चन था तो उन्होंने मुझसे पूछा आगरा के बारे में, एज ए बिलोंग टू आगरा, तो उन्होंने पूछा ऐसे 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 क्या है वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आगरा एंड देहरादून, जो आपको देख के लगा यहाँ। तो मैंने सोचा थोड़ा देर, एक डीप ब्रीथ लिया, फिर उसके बाद मैंने बताया कि आगरा में जो ऑटो रिक्शा होते हैं वो छोटे होते हैं और देहरादून में बड़े बड़े होते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा अच्छा ये डिफरेंस है, तो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी। मैंने बोला आगरा में भी लोग हेलमेट नहीं लगाते, यहाँ पे भी लोग हेलमेट नहीं लगाते। तो ही लाफ्ड वेरी लाउडली एट दिस। फिर उसके बाद हमने थोड़ी और बातचीत करी कि आज मैं वीकनेसेस, आज मैं स्ट्रेंथ्स, तो वो सब बताने का तो फ़ायदा है नहीं, हर किसी का अलग अलग होता है। तो मैंने जो भी था, जो भी मुझे लगता था, मैंने बता दिया। तो एक जैसे उन्होंने पूछा था व्हाट आर योर वीकनेसेस, टेल मी योर थ्री वीकनेसेस, मैंने दो तो बता दिया, एक मुझे समझ में नहीं आया क्या बताऊँ। मैंने बोला माई हैंड राइटिंग, वो भी वीकनेस है वैसे, मैंने हैंड राइटिंग बताया, उस पर भी वो हंस गए। तो मेरा इंटरव्यू कुछ ऐसे ही चला, हंस के। सो इट वेंट वेरी कैजुअल एंड वेरी इनोसेंट, जो आप हो आप वही रहे इंटरव्यू में थ्रू आउट। ग्रेट ग्रेट, क्योंकि ना ये चीज़ बहुत काम आती है उत्कर्ष, लोगों को जान, क्योंकि ना लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो नहीं लेते, कैजुअल नहीं लेते कि इंटरव्यू है और बहुत पता नहीं कैसे होगा और क्या क्या बोलना है क्या। तो डरना नहीं है, जो आप हो आप एक्चुअली वैसे ही जाओगे, तो शायद वो चीज़ हेल्प करे आपके आपके इंटरव्यू को क्रैक करने में। ओके, तो ये था आपका NDA का, SSB का पूरा एक्सपीरियंस कि कैसा रहा पूरा। तो ओके, आप रेकमेंड हुए वहाँ से। अच्छा एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो लास्ट डे एक कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें क्या होता है उसमें क्या होता है, जितने भी लोग हैं वहाँ पे स्क्रीन इन वाले, उन सबको एक एक बार बुलाते हैं, एक पैनल पूरा होता है ऑफिसर्स का, जो भी वहाँ पर सिलेक्शन के लिए बैठे होते हैं, तो वो पैनल पूरा बैठा हुआ था वहाँ पे, एक एक करके सबको बुलाते हैं। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जस्ट यू गो देयर, दे आस्क यू कैसा था स्टे, खाना कैसा था, भेज दे। तो वहाँ पर सब एक एक मिनट, दो दो मिनट के लिए जा रहे थे। मैं अंदर गया, आई सैट देयर फॉर 6 मिनट्स। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि स्टे कैसा था और बाकी सब चीज़ नॉर्मल ये पूछी। फिर उन्होंने अचानक से क्वेश्चन पूछा कि उत्कर्ष एक चीज़ बताओ, आप कोई गेम में हो, यू आर द कैप्टन और आपकी टीम हार रही है, तो क्या करोगे? मैंने कि कुछ नहीं करूँगा, मैं मोटिवेट करूँगा कि अगर हमारे पास चांस, 1% भी चांस है यहाँ से जीतने का, तो वील गो फॉर देट। अपनी टीम को बोलूँगा कि हमारा काम है मेहनत करना, अभी यहाँ पर जो हम करने हैं वो करना, खेलना हम खेलते हैं, हारना जीतना बाद में देख लेंगे, बस हमें अच्छा खेलना है। तो फिर उन्होंने फिर एक और क्वेश्चन पूछा, थोड़ा डिस्कस किया आपस में, और फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन यू हैव एवर फेस्ड इन योर लाइफ। ओके, अब ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है देखा जाए, ठीक है, तो यही है डिफिकल्ट सिचुएशन वैसे थे। लेकिन मैं वहाँ पे बैठा था, मैंने सोचा थोड़ी देर, एक पॉज लिया 5 सेकंड का, फिर मैंने उनको बोला कि द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन आई हैव एवर फेस्ड इन माई लाइफ इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल हु मैटर लॉट टू मी। ओके, और फिर मैंने बोला लाइक द प्रेजेंट सिचुएशन, आई एम सिटिंग हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो फिर मैं चुप हो गया, वो भी चुप हो गए, उन्होंने फिर कुछ डिस्कस किया और बस बोल दिया यू कैन गो। मैंने कहा आज तो हो गया काम, आज तो हो ही गया काम, लेकिन सच में हो गया था काम नहीं अच्छे से हो गया था। सो यार अच्छी बात था, वो तो भूल ही नहीं सकता, वो 6 मिनट होता ना, उस 90 मिनट वाला डायलॉग, ये 6 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट थे। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि ना जो इंसान अगर वैसा जैसा है वैसे ही रहता है हर जगह, तो उसको कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते ज़्यादा वो होने के लिए कि ओके अब मैं
अपने आप को ट्रू दिखाऊंगा तो मैं ऐसा हूँ, अगर मैं मोल्डेड वर्जन दिखाऊंगा तो मैं ऐसा हूँ, तो वो एफर्ट्स ज़्यादा लगाने नहीं पड़ते क्योंकि आपको पता है कि आप जैसे हो वैसे ही हो, हर जगह वैसे ही हो, तो वो चीज़ें काफ़ी काम आई आपको, बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा आपका पूरा SSB वाला जर्नी पार्ट तक। अब स्टार्ट होती है आपकी ट्रेनिंग पार्ट, जो आपने खड़क वासला में 3 साल दिए अपने, तो आप एयरफोर्स से पास आउट, सर्विस एयरफोर्स है आपका, तो उसमें पायलट का जो आपने टेस्ट दिया, जो पहले PPTA था, अब वो चेंज हो गया CPSS हो गया है, तो उसका वो कैसा था, आपने उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया खुद को पायलट टेस्ट देने के लिए, और फिर आगे खड़क वासला पे जो आप गए थे वहाँ पे आपका जो स्टडी एजुकेशन चला वो कैसा था, और आपने क्या क्या किया? पहले आप पायलट वाला एक्सपीरियंस बताइए कि वो कैसा था, आपने टेस्ट जब दिया CCSS। ये जो CPSS है, इट इज़ कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। ओके, तो इसमें 2 टेस्ट होते हैं, पहला तो आपका नॉर्मल रिटन टेस्ट कह सकते हैं, एक ऑनलाइन रिटन टेस्ट करके था। ओके, फिर सेकंड जो टेस्ट होता है वो साइकोमोटर टेस्ट होता है। तो थोड़ा बहुत पता था इसके बारे में, CPSS क्या है, इसमें क्या क्या आता है, थोड़ा बहुत वो देख लिया था जब मैं प्रिपेयर कर रहा था बालन एकेडमी से। तभी मैं सुबह सुबह ये पूरी क्लासेस जो चलती थी सुबह 7 से शाम तक 5-6 बजे तक, इन क्लासेस में पता लग जाता था करना क्या है। वापस मैं घर आता था, वहाँ पर जो पता लग गया क्या करना है वो करता था, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम CPSS को देता था। तो ये रोज़ का रूटीन बन गया था 2 हफ्ते के लिए। तो CPSS के बारे में पता तो था ही, लेकिन साइकोमोटर टेस्ट जो होता है वो मेन टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। उसमें क्या होता है, आपको एक कॉकपिट में बिठा देते हैं और सारे कंट्रोल्स सेम होते हैं जैसे एक एयरक्राफ्ट में होते हैं। एक सूडो कॉकपिट, ठीक है। तो उसमें सामने स्क्रीन है, आपके हाथ में स्टिक है, उधर बटन्स हैं, फायर बटन, रेड बटन, जो भी बटन्स होते हैं, सामने भी बटन्स हैं। तो स्क्रीन पर 10 टेस्ट हैं, मैं पर्सनली गेम बोलता हूँ, ठीक है। तो वो 10 गेम्स हैं, वो गेम्स आपको खेलने हैं स्टिक से। आपको एक ट्रायल मिलेगा और बेस्ट ऑफ 3 चांस, तो जो भी बेस्ट होगा वो उसमें फीड हो जाएगा। तो वो 10 जो गेम्स थे वो खेले, मज़ा आया खेलने में बहुत, और लग रहा था कि हाँ कुछ कर रहे हैं, हाँ ये करना है ये करना है, नीचे रडर्स फील कर रहे हैं, स्टिक फील कर रहे हैं, तो मज़े में ही काफ़ी अच्छा लगा और मज़े में ही क्लियर हो गया। बहुत ही शानदार बात है ये, वो फील जो आता है ना जब आप रडर पैर से पुश करते हो, स्टिक हाथ से आगे पीछे, ये वो फील। आपने एक गेम की तरह लिया ना उसको, कि मैं ज़्यादा भी सोच नहीं रहा, मैं अभी एक गेम की तरह इसको देखता हूँ, ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, हाथ में कंट्रोल उसको टेस्ट लो, की तरह लोगे तो फिर वो फिर थोड़ा सीरियस होके फिर वो चीज़ें, मामला थोड़ा सीरियस हो जाएगा। तो अच्छी बात है। और पता है कुछ चीज़ें लाइफ में होती भी हैं जो सीरियसली लेकर नहीं हो पाती हैं क्रैक, तो आपको बहुत ही कैजुअली लेकर और बहुत ही कूल रहकर, काम डाउन होकर चीज़ों को फेस करके हो जाता है, चीज़ें ईजी हो जाती है थोड़ी, क्योंकि सीरियसली लेने पर आप ज्यादा सोचने लग जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ ज्यादा सोचने लग गए तो वहाँ कुछ कर नहीं पाओगे, वहाँ स्ट्रेस होगा और फालतू में लिमिटेड सोचना है, करना भी। तो एटीट्यूड आपका जो पॉजिटिव रहा है थ्रू आउट योर जर्नी, आपके NDA के रिटन एग्जाम से लेके बिल्कुल आपने जब तक खड़क वासला पास आउट हुए तब तक आपका वो एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव रहा है, जो कि आई थिंक बहुत ही काम आता है इंसान को नॉर्मली भी लाइफ जीने में। तो जब आप उत्कर्ष वहाँ NDA खड़क वासला ट्रेनिंग के लिए गए थे, उसका टेन्योर कैसा होता है वहाँ पे, आपको एजुकेशन वाइज क्या पढ़ाया जाता है, आप क्या क्या चीज़ें होती हैं जो वहाँ पे आपकी डेली रूटीन में होती हैं, तो आपने क्या देखा, आपको उन 3 साल में आपने क्या क्या सीखा खड़क वासला एक्सपीरियंस से? ये जो 3 साल जो हैं मेरी लाइफ के, मैं कहूँगा ये बाकी के 18 से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जितना सीखा है वो शायद ही सीखा होगा पिछले 18 साल। बिल्कुल, तो फर्स्ट टर्म में मैं गया 2018 जनवरी, तो आई वॉज न्यू, मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या चल रहा है क्या हो रहा है कितने, मुझे तो ये भी नहीं पता था 18 स्क्वाड्रंस होते हैं, ठीक है। तो मैं इतना रिसर्च करके नहीं गया था NDA के बारे में। मैं वहाँ पहुँचा, नॉर्मल देखा इधर ये सब चीज़ें क्या चल रहा है कैसे क्या है, और कोर्समेट्स देखे, पता चला कोर्समेट्स क्या होते हैं कैसे होते हैं। सबसे पहला तो मेरे बाल इतने बड़े बड़े थे, उधर जाके इतने इतने से कर दिए, आई वॉज फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट, मुझे गुस्सा आ रहा था कि मेरे बाल काट दिए, मुझे बहुत प्यार था बालों से, लेकिन ठीक है, इट्स वर्थ इट। और फिर
कुछ नहीं, फिर पहुँचे वहाँ पर, हमें सिखाया कैसे क्या करना है रूटीन में, तो पीटी परेड फिर क्लासेस, बीटेक, हमें बीटेक करवाया क्योंकि एयरफोर्स और नेवल क्रेडिट्स को बीटेक करवाते थे, अभी पॉलिसी चेंज हो गई थोड़ी सी, तो बीटेक था तो हमारी क्लासेस होती थी, देन आफ्टर क्लासेस लंच, लंच के बाद खा पी के जल्दी से चेंज करके आके बाहर पीटी वीटी जो भी करते थे, फिर उसके बाद गेम्स, गेम्स के बाद वापस आके चेंज वेंज करके फिर स्टडी पीरियड, स्टडी पीरियड के बाद डिनर, डिनर के बाद सो जाओ क्योंकि आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं एनर्जी कुछ करने की। डिसिप्लिन लाइफ, पूरा प्रॉपर तरीके से फिक्स डिसिप्लिन लाइफ जो होती है। तो आप जैसे कि ना स्टार्टिंग में बहुत चेंजेस आए होंगे आपके में, जब आप गए आपने देखा कि अरे ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो एक साथ अडेप्ट करने में भी ना बहुत टाइम लगता है बॉडी को, खुद को, क्योंकि बहुत ही कैजुअल सी लाइफ जी रहे होते हैं हम पहले, इतना डिसिप्लिन नहीं आ रहा होता। तो आप एकदम से जब आपने देखा कि इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर, तो वो फीलिंग नहीं होती है जहाँ पे आपको लगता है कि गिव अप, आई नो गिव अप इज़ नॉट एन ऑप्शन, आप अगर आपने कोई बड़ा ड्रीम सोचा अपने लिए, बट उत्कर्ष कहीं ना कहीं होते हैं लोग जो जहाँ पे नहीं संभाल पाते, हमें नहीं पता होता, अंदाज़ा नहीं होता कि हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, कितनी लाइफ कितनी स्ट्रिक्ट हो जाएगी, आप अपने फैमिली से इतना ज़्यादा दूर हो जाओगे, वो बात अलग है कि अपने अपने कंट्री से बहुत क्लोज होने के लिए आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी कि फैमिली से दूर होना है, कुछ चीज़ें मटीरियलिस्टिक चीज़ें कुछ दूर रखनी पड़ेंगी अपने से, पर कभी ऐसा फील हुआ कि आपको गिव अप करने का मन करा हो? चलो एक इंसिडेंट बताता हूँ इसी बात पे। फर्स्ट टर्म में जब हम जाते हैं ज्वाइन करते हैं तो हमारे शुरुआत के एक साइकिल वहाँ पर होता है 13 डेज का, ठीक है, देयर आर टोटल ऑफ 8 साइकिल्स, ठीक है, बीच बीच में हॉलीडेज वगैरह हैं वो काउंटेड नहीं है, 8 साइकिल होते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट साइकिल है ऑफ 13 डेज वो होता है केरेसिंग पीरियड, उसमें कोई हमें कुछ नहीं कहेगा, हम चीज़ें सीखते हैं, हमें सिखाएंगे, कुछ पनिशमेंट, कुछ रगड़ा वगड़ा कुछ नहीं। तो मैं गया, मैंने देखा कुछ नहीं चल रहा, मैं तो गलती भी कर दूँ यहाँ पे, कोई कुछ कहता ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं कि आगे से मत करना, कि यार बहुत सही चीज़ है, बहुत बढ़िया है। फिर मैंने कहा ठीक है, तो मैं इतना ज़्यादा कुछ करता भी नहीं था, गलती वलती होती थी, मैं सोचता था ठीक है यार कोई कुछ कहना छोड़ो। वो जो 13 डेज ख़त्म हुए तो हमारा एक इंट्रो हुआ, इंट्रो टू एकेडमी, वो जो इंट्रो था बहुत ख़तरनाक इंट्रो था, तो उसमें काफ़ी रगड़ा मिला उस दिन, आई वॉज हैविंग सम ब्रूसेज ऑन माई बैक, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी उस टाइम पे, मैं बेड पे उल्टा पड़ा पड़ा ये सोच रहा था यार मम्मी होती तो यहाँ पे दवाई लगा दी। ये उस दिन जो था, उस दिन मुझे लगा कि हाँ यार बहुत है यहाँ पे और मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, फिर ये सोचा मैंने, फिर मैंने सोचा यार आया क्यों हूँ मैं यहाँ, रीज़न क्या है, मोटिव क्या है आने का, यहाँ छोड़ने थोड़ी आया हूँ, ये सोचा 5-10 मिनट सोचा, अपने आप ही नींद आ गई क्योंकि सुबह से ही था, इतना बज रहे थे सुबह से, फिर नींद ही आ गई, सोचने का टाइम, बेस्ट चीज़ यही है एकेडमी की, ज़्यादा सोचने का टाइम मिलता ही नहीं, देते ही नहीं सोचने का टाइम, पूरा दिन बिजी, रात को सो जाओगे अपने, कोई कोई तो दिन में भी सो जाते हैं क्लासेज में, हम भी सोते हैं, ज़रूरी भी है वो, तो सिचुएशंस भी ना ऐसी आती हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि गिव अप करना, देखो वो फीलिंग है और वो फीलिंग आपको आएगी सिचुएशंस लाइफ में ऐसी, क्योंकि चीज़ें ऐसी नहीं होती कि आप हमेशा वो चीज़ें आ रहे हो एक्सपीरियंस करते हुए ना लाइफ में, तो जो चीज़ें नई नई हैं उनको देख के थॉट आएगा दिमाग में, आपको किस तरीके से उस थॉट को हटाना है, एक पॉजिटिव थॉट दे के उसको ओवरकम करना है, तो वो अपने पर ही डिपेंड करता है। पर मैं सच में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है सुन के, क्योंकि ये सब चीज़ें ही लाइफ में आपको फाइट करनी है, और ये चीज़ें सिर्फ एक उसमें ही नहीं आती कि एक डिसिप्लिन लाइफ में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल हमारी लाइफ का पार्ट है, कहीं ना कहीं हमें टेस्ट हमें ऐसे देने पड़ेंगे जहाँ पे हमें सेल्फ कंट्रोल क्योंकि हमारी जीभ भी बहुत चट हो रही है, हमें चीजें भी सारी करनी है, हमें सब कुछ करना है, हमेशा हर चीज पॉसिबल नहीं है हमें, हाँ एग्जैक्टली, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसका, दैट्स नाइस उत्कर्ष। तो उत्कर्ष आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में काफी कुछ सीखा सेल्फ कंट्रोल के बारे में, आपने बताया कि काफी जरूरी है। मूविंग फॉरवर्ड आगे आपने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मेच्योरिटी आती है टाइम के साथ में, चीज़ें आती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं बहुत, तो आपको क्या लगता है कि आपने
उस जो आपका जो डेवलपिंग फेज था वहाँ पे, सेकंड ईयर में क्या सीखा, थर्ड ईयर में क्या सीखा, उसमें क्या चेंज, मतलब खुद में पर्सनालिटी में कितना डेवलपमेंट आपने देखा है वहाँ पे? फर्स्ट टर्म के बाद जब सेकंड टर्म में आए तो सेकंड टर्म इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म में आपके ऊपर कोई है आपको बोलने वाला है ऐसे कर ऐसे कर. हाँ. सेकंड टर्म कोई नहीं है ऊपर और ना आपके नीचे, आपको फर्स्ट टर्मर को संभालना है. हाँ. तो सेकंड टर्म इज द, बोल सकते हैं यू आर द मोस्ट फ्री पर्सन, और फ्री मतलब मेंटली फ्री, बाकी काम आप करना. तो सेकंड टर्म काफ़ी सही था, जो करना है अपने काम से काम रखना है करो, गायब रहो, किसी को देखो ही मत. बेस्ट चीज, दैट्स व्हाई सेकंड टर्मर्स आर कॉल्ड मिस्ट्रीज ऑफ एकेडमी. ओके, फर्स्ट टर्मर्स आर कॉल्ड डोप. डोप, नाइस. तो सेकंड टर्मर्स को मिस्ट्रीज इसीलिए बोलते थे कि वो दिखते नहीं थे किसी को. हाँ. अपने काम से काम रखना है, बस गायब हो जाओ. हाँ, ठीक है. हाँ. ताकि कोई कुछ कहे ना. तो सेकंड टर्म में हमारा सबसे पहला कैंप होता है, कैंप ग्रीन ऑन. ओके, तो वो फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन है जिससे आपको पता लगता है कि हाउ मच बॉन्डिंग यू आर हैविंग और अपने कोर्समेट्स के साथ कितना आपका है कनेक्शन. तो वो कैंप से कमराडरी सीखी, कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी है, कैसे कोई किसी पर ये काम नहीं हो रहा तो उसको कैसे हमें करना है, उसके साथ में उसे बताना है, या नहीं हो रहा है उस पर तो उसको साथ में लेके चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है. बेस्ट थिंग वी लर्नड इन कैंप. तो वहाँ पर हमने सीखा टीम वर्क और कैसे सबको साथ में लेके चलना है. नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, जो भी आपके साथ में है जितने आए उतने वापस जाओ. और एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत थी कमराडरी की वहाँ से. तो सेकंड टर्म में बेस्ट चीज़ मैंने सीखी यही कमराडरी, कि मेरा कोर्समेट कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और ऑब्वियसली मैं उसके लिए. फिर वी रीच थर्ड टर्म. थर्ड टर्म में आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एक डोप आ जाता है जिसका आपको ध्यान रखना होता है फर्स्ट टर्म में. और वो थर्ड टर्म आपका उसी के इधर उधर, यू जस्ट गो राउंड एंड राउंड हिम, उसको देखते रहो क्या कर रहा है, उसको चीज़ें सिखाओ, खाना ऐसे खाना है, प्लेट क्लोज ऐसे होगी, प्लेट ओपन ऐसे होगी, ये तो पूरा टाइम उसी में ही निकल जाता है. तो आई वॉज फॉर्चुनेट, मेरा अंडरस्टडी काफ़ी सही था इस मामले में और जल्दी चीज़ें सीख गया, मुझे ज़्यादा उतना दिमाग नहीं मारना पड़ा उस पर और अच्छा था काफ़ी. थर्ड टर्म एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी कि कैसे हमें एक जूनियर को ग्रूम करना है. और थर्ड टर्म में सिर्फ एक ही था. एज वी रीच फोर्थ टर्म, हमारे नीचे तीन जूनियर कोर्सेज हैं जिनको हमें देखना है. तो फोर्थ टर्म इज दी, दिस वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट टर्म्स कह सकते हैं. फोर्थ टर्म में जो हो आप दिख जाता है. तो फॉर दोज हु नो, मेरा फोर्थ टर्म बहुत सही गया, आई वॉज फ्लैग कपल, ठीक है. और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं फोर्थ टर्म में आपके ऊपर, आपके नीचे तीन कोर्सेज हैं, आपको उन सबको देखना है कौन क्या कैसे क्या कर रहा है. काफ़ी सही टर्म है फोर्थ टर्म. फिर फिफ्थ टर्म में तो सीनियर बन जाते हैं, फिर तो मोह माया से ऊपर. नहीं, काम वाम भी करने होते हैं काफ़ी. फिफ्थ टर्म एग्जीक्यूटिव टर्म है, जो सिक्स टर्मर बोलेगा आपको वो काम ऑन द ग्राउंड कराना है. ओके. तो फिफ्थ टर्म में भी काफ़ी काफ़ी चीज़ें सीखते हो, एक लीडरशिप आती है आपके अंदर, क्योंकि जो फोर्थ टर्म है वो आपसे आगे पूछेगा कि सर मैं अब क्या करूँ. हाँ. ये टाइम है, ये टाइम फ्रेम है, ये चीज़ करने को है, मैं क्या कराऊँ, तो आप उसको बताओगे ऐसे ऐसे कराओ, ऊपर से जो सिक्स टर्मर्स ने आपको बता रखा होगा. तो फिफ्थ टर्म ऐसे चला गया, लॉकडाउन हो गया, केबिन में बंद हो गए, फिर तो लस्सी लस्सी हो गई. सिक्स टर्म कैसा रहा आपका, लास्ट सेमेस्टर जिसके अंदर आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, कोविड भी एक्सपीरियंस किया. सिक्स टर्म मेरा ऐसा था. Okay. तो काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे सिक्स टर्म में, रोलर कोस्टर बिल्कुल. हाँ, और जैसा कि अब मैं ACC था. हाँ. शुरुआत में जब मुझे पता चला कि आई बीन मेड द ACC ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी, ऐसे चक गए. हो गया काम. वैसे ही हालत ख़राब चल रही है, अब तो ACC और बन गया, अब तो हो गया काम. हाँ. तो मुझे सही में आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं ACC बनूँगा, सीधा सिंपल बात यह है. लेकिन पता नहीं क्या देखा, बना दिया और टेन्योर शुरू हुआ, काफ़ी थक के खा के शुरू हुआ और फिर थोड़ा बहुत गाड़ी चली, फिर बीच में बंद हो गई.
तो ऐसा था जैसे कोविड तो चल ही रहा था, तो इतने ज़्यादा इवेंट्स वगैरह हो भी नहीं रहे थे अच्छे से, जितने भी हो रहे थे उसमें भी मैं ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एक लोड होता है, एक मेंटल लोड आ जाता है, स्ट्रेस फील करने लग जाते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर अकेडमी की, यू आर दी अकेडमी कैट कैप्टन, आप सब काम वाम करने हैं, इधर उधर देखना है भी है कि क्या चल रहा है, रिपोर्ट्स देनी है, काफ़ी सारे फीडबैक्स बनाने हैं, तो लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डाउन आ गया था सिक्स टर्म में, जो कि पहले मैं थोड़ा बहुत सही हो गया था, सिक्स टर्म में डाउन आ गया था। पीटी टेस्ट, तो जो हमारा वो होते हैं पीटी टेस्ट होता है मैंडेटरी वन मैंडेटरी टू ऐसे करके होते हैं, तो दोज हू फेल मैंडेटरी वन गो टू मैंडेटरी टू, तो आई फेल्ड माई पीटी टेस्ट मैंडेटरी वन। अच्छा, ठीक है, इतना वो सब हो गया था कि मैं पीटी ही नहीं कर पाया था सिक्स टर्म में, तो फिर मैंडेटरी टू में पास हुआ, फिर काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए, बता नहीं पाऊँगा लेकिन काफ़ी लो हो गया था मैं, लेकिन फिर मैंने सोचा यार कुछ नहीं हुआ अभी भी, जो चीज़ मेरे हाथ में है वो तो मैं कर सकता हूँ, और मेरे हाथ में एक ही चीज़ थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और कुछ हुआ भी नहीं था, मेरे हाथ में एक ही चीज़ थी, वो थी पासिंग आउट परेड। आई वॉज द कमांडर, मुझे कमांड्स दे रहे हैं, मेरे पीछे 300 लोग खड़े हैं, वो मेरे कमांड पे चलेंगे, तो ये जो कमांड देने हैं ये मुझे ऐसे देने हैं कि पीछे सारी चीज़ें सब भूल जाएं और वो ये बोले सारे लोग कि ये बहुत सही बंदा है। तो उसके लिए फिर मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया, मैं रोज़ चिल्लाता था, रोज़ कमांड प्रैक्टिस करता था, मतलब दो तीन महीने पहले से मेरी कमांड प्रैक्टिस शुरू हो गई थी, ड्रिल प्रैक्टिस, कमांड प्रैक्टिस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मन में बस यही था कि एक पासिंग आउट परेड है जो मैं अच्छी दिखा सकता हूँ यहाँ से, बाकी जो पीछे हो गया, अब उसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं जो गलत किया उससे सीख के आगे अच्छा करना है, बिल्कुल पासिंग आउट परेड में अच्छा करना है, और फिर उसके लिए प्रिपेयर किया काफ़ी सारा, और मैंने तो सुना लोगों से कि अच्छा हुआ, आई डोंट नो, नहीं काफ़ी अच्छा हुआ सुना बोला देखा हम लोगों ने सब लाइव देखा है, तो हमने दूरदर्शन पे 139th आपका कोर्स था और हमने वो पूरा पासिंग आउट परेड पूरी दूरदर्शन पे हमने सुबह देखी थी, और आपने लीड किया, आपने कैसे कमांड किया वो सब विजिबल था, बहुत ज़्यादा एविडेंट था, तो कोई डाउट ही नहीं है मन में किसी के भी कि ऐसा कुछ हुआ भी होगा उसमें कि कहीं कुछ लूप होल था या कुछ गलती थी, क्योंकि वो प्रैक्टिस दिख रही थी जो थिंग इन माय हैंड। हाँ, बट दैट टाइम यू डिड इट वेरी नाइसली, यू डिड इट वेरी परफेक्टली, तो आई थिंक उसमें तो कोई भी डाउट नहीं रखेगा कोई, वो क्योंकि वो गूज़बम्प वाला मोमेंट होता है उत्कर्ष, आप जब किसी को देख रहे होते हो पूरा कमांड परेड करते हुए, एकदम परेड को कमांड करते हुए, और आपको पीछे की मेहनत नहीं दिख रही होती है, लेकिन उस टाइम जब वो चीज़ से जब आपके सामने आती है ना, तो आपको सिर्फ फाइनल आउटकम दिखता है, उसके पीछे जो आपने रात दिन एक किए हैं, अपने गले की जो बैंड बजी है आपकी, आपने पूरा जो उसको संभाल के रखा है। मैं बताता हूँ, मैंने 2 महीने कोल्ड कॉफ़ी नहीं पी अकेडमी में, अकेडमी में कोल्ड कॉफ़ी नहीं पी मैंने, बहुत बड़ी बात है, 2 महीने अकेडमी में कोल्ड कॉफ़ी नहीं पी, कुछ ठंडा नहीं खाया, मैं गर्म पानी पीता था, जो मेरे फ्लैंक के जूनियर्स हैं उनको पता है सब चीज़, तो मैं गर्म पानी पीता था, रोज़ रात को लौंग खाता था, एक साथ में मुलेठी खाता था, तो कोई भी चांस काफी ध्यान रखा है मैंने, हाँ, गले का आपने कुछ भी गले की वो लगे, और पीओपी जैसे एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, पीओपी जब खत्म हुई तो जो हमारे ड्रिल उस्ताद जो होते हैं, जो हमें ड्रिल सिखाते हैं, अच्छा, तो वहाँ पर उस्ताद होते हैं, उन लोगों ने सब लोग साथ में खड़े थे, पीओपी होके हम जब धीरे चाल करके बाहर आए तो वो लोग सब साथ में खड़े थे, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे बोला कि क्या हम आपके साथ एक फ़ोटो ले सकते हैं, मैंने कि जी बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें मैं प्रिविलेज हूँ फ़ोटो में, तो उन्होंने बुलाया, फिर मेरे साथ फ़ोटो लिया, और उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, उन्होंने बोला कि आप अभी तक के पहले ACC हैं जिनके साथ हमने फ़ोटो लिया, नहीं तो पहले किसी के साथ फ़ोटो नहीं लिया था, और उन्होंने फिर थोड़ी तारीफ वारीफ करी, वो जो टाइम था उस टाइम पे लगा कि हाँ भाई कुछ किया है, अभी 3 साल की इस टर्म कुछ किया है मैंने, तो सिक्स टर्म तो मैं भूल ही नहीं सकता, काफ़ी अच्छा रहा, और हमारी स्क्वाडन को बैनर भी मिला तो और ज़्यादा ही खुशी थी, आई वाज ऑन द 7th क्लाउड, तो
यही था मेरा मज़ेदार जर्नी. बहुत ही मज़ेदार जर्नी थी. इसमें मज़ेदार के साथ साथ इसमें जो चीज़ें आपने बताई जिसमें थ्रू आउट जो एक कॉन्स्टेंट रही है वो ये रही है आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कि आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उत्कर्ष, आप किसी भी लाइफ में किसी भी स्टेज पे आ जाओ, चाहे वो किसी भी कोई भी बड़ी से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर आपका एटीट्यूड सेम है सब में उस चीज़ को डील करने का, तो आई थिंक किसी भी सिचुएशन से आप बाहर आसानी से आ सकते हो. और आपने वही किया तो वो बहुत मैटर करता है. बहुत ही ये सब चीज़ों के बाद भी उत्कर्ष, अगर मैं ये पूछूं कि क्या ऐसा क्या था ऐसा जो आपको लगा कि ट्वेल्थ वाले उत्कर्ष शर्मा में और जो एक पास आउट एनडीए खड़कवासला से पास आउट जो उत्कर्ष शर्मा है उसमें आपको मेजर डिफरेंस क्या लगा, आप खुद में जो मतलब आपने खुद से पाया है कि हाँ ये मैं अपने आप को ऐसा था और मैं ऐसा हूँ, तो आप प्राउड फील करते हो वैसा होने के, मतलब क्या मेन चीज़ ऐसी क्या थी जो चेंज उत्कर्ष शर्मा में है? अभी जो मुझे लगता है कि मैं इम्प्रूव हुआ हूँ पहले से, तो पहली चीज़ आई नो हाउ टू कंट्रोल माई सेल्फ. या मुझे पता है कि हाँ मेरा किसी चीज़ का मन कर रहा है तो मैं कंट्रोल कर लूँगा. ऐसा भी नहीं है कि हाँ भाई चाहिए ही चाहिए, नहीं 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 नहीं. तो एक सेल्फ कंट्रोल आ गया अंदर, और एक चीज़ सीख लिया है कि कितनी भी आगे कितना भी हार्ड सिचुएशन आ जाए, ये कर लिया 3 साल तो वो मैं कर ही लूँगा. तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे. वेरी नाइस. कोई ऐसी मेमोरी, कोई हाँ कोई ऐसी मेमोरी या कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे जो कि आपके लिए बहुत ही स्पेशल रहा हो और ऐसा होता है ना कि हाँ ये चीज़ मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा लाइफ में, ऐसा कुछ ऐसे कुछ पल रहे हो आपकी लाइफ में, बी इट इन योर 12th स्टैंडर्ड और योर NDA SSB वाला इंटरव्यू या फिर खड़कवासला में, मतलब कहीं पे भी ऐसे कौन से वो मोमेंट्स थे, चाहे वो एक हो, बहुत सारे होंगे आई नो, बट बहुत सारे हाँ, तो ऐसे कुछ मोमेंट्स आप शेयर करना चाहो कि वो आप भूल ही ना पाए हो एकदम. है तो बहुत सारे. अच्छा बताता हूँ मैं. पॉइंट नंबर 1 थ्रोबैक SSB. हाँ. तो जब रिजल्ट अनाउंस हो रहे थे लास्ट में कॉन्फ्रेंस के बाद, तो हम सब खड़े थे लाइंस में चेस्ट नंबर वाइज. तो हम टोटल थे वहाँ पर अराउंड 50, ठीक है. मेरा चेस्ट नंबर था 37. अनाउंस होना शुरू हुआ चेस्ट नंबर 1, यू हैव बीन रिकमेंडेड. चेस्ट नंबर 22 हो गया, सब लोग क्लैप कर रहे थे, ठीक है. चेस्ट नंबर 1 हुआ, एवरीवन वाज क्लैपिंग. चेस्ट नंबर 22 क्लैप्स, मैं बड़ा खुश हुआ 22. और 22 जो था ही वाज माय फ्रेंड, वो भी इधर का ही था, आगरा के पास का, तो okay. मैं बड़ा खुश हो गया. फिर चेस्ट नंबर 37 आई वाज लाइक ये, फिर मैंने देखा ये तो मेरा है. उस टाइम पे मैं चुप एकदम, और पता ही नहीं था मैं करूँ क्या. मेरे इधर उधर वाले लोग हिला हिला के ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो हो गया, तो हाँ ठीक है. फिर उसके बाद मेरे ही ग्रुप, ऐसा होता है ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर 7-8 लोगों के, तो मेरे ग्रुप में मैं फर्स्ट था. मतलब 37 से 43 तक था मेरा ग्रुप, चेस्ट नंबर 37 to 43. तो आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई ग्रुप, तो मैं रिकमेंडेड था. और मेरे ग्रुप का जो लास्ट बंदा था 43, ही वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड. तो मेरे ग्रुप से 2 लोग रिकमेंड हुए. तो हम रिकमेंड हुए, और हम 4 लोगों को, जो हम 4 लोग रिकमेंड हुए उनको रोक लिया, बाकी सबको भेज दिया. तो सब कॉन्ग्रेचुलेट करके चले गए. फिर वहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे शांत, हम 4, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, ठीक है. बैठे हैं, लगेज देख रहे हैं, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई अपना फ़ोन निकाल रहा है. तो जो मेरे ग्रुप का था, मैंने उसको ऐसे देखा, उसने मुझे ऐसे देखा, और वो मेरे पास है, उसने मुझे ऐसे उठा लिया, और फिर हम चिल्लाने लग गए. तो वो जो था वो बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था, वो तो मैं भूल ही नहीं सकता, और काफ़ी मज़ा आया उसमें. ये था फर्स्ट. पॉइंट नंबर 2, जब 6th टर्म की बात है, एंड में ऐसा होता है जो भी स्क्वाडन सबसे अच्छा करता है सारे इवेंट्स में, उसको बैनर मिलता है, चीफ्स ऑफ स्टाफ बैनर, मतलब ओवरऑल फर्स्ट स्क्वाडन. तो जब भी एकेडमी जब से ज्वाइन किया था, तो मैंने बाकी लोगों को ही देखा था जीतते हुए. हमारा स्क्वाडन जीता नहीं था पिछले 10 सालों से.
लास्ट 119 कोर्स में जीता था। ओके तो सबको देखा ही था कि यार ऐसे करते हैं, विक्ट्री मार्च पे जाते थे। अच्छा। विक्ट्री मार्च में जैसे कुछ जीतते हैं तो ट्रॉफी वगैरह लेके या बैनर वैनर लेके पूरी अकेडमी में घूमते हैं और चिल्लाते हैं अकेडमी का बाप कौन, ये वाला स्कॉन, ये वाला स्कॉन जो भी है। तो वो देख के एक लगता था कि हाँ ये करना है, वो एक चीज़ ऐसी थी जिसे देख के लगता। तो फर्स्ट टर्म से जब से अकेडमी ज्वाइन किया करा था तब से बाकी स्क्वाड्रंस को ही देखा था, तो उनको देख के लगता था यार ये विक्ट्री मार्च पे जा रहे हैं, हमारे सामने से निकल रहे हैं, यार ये करना है, एक बार तो करना है, एक बार तो करना है। तो धीरे धीरे टर्म्स निकलते गए, फिफ्थ टर्म तक चांस नहीं मिला विक्ट्री मार्च करने का। सिक्स्थ टर्म में आए, सबसे पहले वी वॉन स्कॉश चैम्पियनशिप, तो स्कॉश ट्रॉफी आई, विक्ट्री मार्च, दैट वॉज द फर्स्ट विक्ट्री मार्च। और हम जब विक्ट्री मार्च के लिए जा रहे थे, मेरे तो आंसू ही आ गए थे आंखों से, कि टर्म की शुरुआत में हमने बोला था कि इस टर्म तो करेंगे ज़रूर, और हमने कर दिया, दैट वॉज द बेस्ट फीलिंग। हम सोच रहे थे यार मज़ा आ गया, जो सोचा था कर दिया। और विक्ट्री मार्च जब जा रहे थे तो वो फीलिंग ही अलग होती है, जब चिल्ला रहे होते हैं वहाँ पे अकेडमी का बाप कौन, इंडियाज कौन, इंडियाज कौन, तो वो जब फीलिंग आती है ना, कांट एक्सप्रेस। तो वो फर्स्ट विक्ट्री मार्च था। फिर उसके बाद हम कैंप्स में अच्छे आए, तब भी ट्रॉफी लेके आए, सेकंड विक्ट्री मार्च। फिर उसके बाद बैनर, लास्ट फाइनल चैम्पियनशिप ओवरऑल इवेंट्स में देख के जो फर्स्ट आता है उसको बैनर मिलता है, स्कॉन को, इंडियाज कौन को बैनर मिला, बैनर लेके विक्ट्री मार्च। सिक्स टर्म में 3 विक्ट्री मार्च किए, भूल ही नहीं सकता कभी, विक्ट्री मार्च चीज ही ऐसी, मतलब नशा ही ऐसा। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई, एक और बताता हूँ जो मैं बता चुका हूँ बट बताना ज़रूरी है एक फिर से। थर्ड आफ्टर POP ड्रिल उस्ताद के साथ फोटो, मतलब लगा था यहाँ। तो उन्होंने बोला है इसे मुझे उस टाइम पे लगा कि हाँ कुछ किया है मैंने, कुछ तो किया है, कुछ तो बिल्कुल किया है, इतना भी बुरा नहीं। और बहुत ही ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है आपका पिछले 3-4 सालों में, और विदाउट एनी डाउट आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अपने आप को इतना ग्रो किया, पर्सनली बहुत चीज़ें डेवलप करते हो आप, मेंटली स्ट्रांग बनते हो, सबसे बड़ी बात तो वो हो जाती है, आपको चीज़ों को संभालना आ जाता है धीरे धीरे कि कैसे चलना है आगे लेके। और हर्डल्स होते हैं ना जो छोटे छोटे लाइफ में, कि लगता है कि हाँ ये इन चीज़ों से हम घबरा जाएंगे, वहाँ पे आपको पता नहीं लगता लेकिन आप फेस कर जाते हो उन्हें बहुत अच्छे से। तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और ये चीज़ें सुनकर जो यहाँ पे NDA के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो 10th और 12th के, इवन जो CDS के लिए भी प्रिपेयर करते हैं आगे डिफेंस के लिए, आई थिंक उनके लिए बहुत ये चीज़ों ने बहुत हेल्प करेगी आपका इंटरव्यू देख कर, कि कैसे कैसे आपने डील किया अपनी सिचुएशन में। तो काफ़ी कुछ आपने बताया और ये आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उन बच्चों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं NDA के लिए ना। तो अगर आप बिल्कुल क्रिस्प होके ये बताना चाहो कि क्या टिप्स हैं आपके अकॉर्डिंग NDA के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, कि ये आपके अकॉर्डिंग आपने ऐसा किया, या फिर मे बी आपने हो सकता है कुछ चीज़ें मिस कर दी जो आपको लग रहा है कि वो चीज़ें काम आएंगी, तो वो टिप्स क्रिस्प लैंग्वेज में आपके लिए क्या होंगे कि आप कैसे प्रिपेयर करो NDA के लिए। सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा उनको, कि दे शुड लर्न हाउ टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। कई बार होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ और ही कर रहे होते हैं, जो चाहिए होता है वो नहीं कर रहे। तो अगर हम प्रायोरिटाइज करेंगे चीज़ों को कि हमें ये करना है पहले उसके बाद ये, तो काफ़ी सही है। तो जैसे अब फ़ोन भी चलाना है, अब पढ़ाई भी करनी है, प्रायोरिटाइज करो कि हाँ 2 घंटे पढ़ूंगा फिर आधा घंटा फ़ोन चला लूँगा। तो अगर हम ऐसे सेट करके चलेंगे टाइम टेबल अपना, एक रूटीन में चलेंगे, तो काफ़ी हेल्प करेगा। पहली चीज़, प्रायोरिटाइज एवरीथिंग इन योर लाइफ, आगे भी काम आएगा, सिर्फ NDA वालों के नहीं, हर जगह काम आएगा। सेकेंड, स्टडी, पढ़ो, मेन चीज़ पढ़ाई है, पढ़ो, खेलो कूदो, सब चीज़ का एक परफेक्ट बैलेंस करो लाइफ। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है हमें पता है, लेकिन साथ में अगर हम गेम्स वगैरह भी खेलते रहेंगे बॉडी भी फिट रहेगी, और ये रिक्वायरमेंट भी है। तो एक बैलेंस रखना है लाइफ में,
और थर्ड ज़्यादा सोचना नहीं है चीज़ों के बारे में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम सोचते ही रह जाते हैं, करते हैं नहीं। हम सोचते हैं यार सुबह उठूँगा दौड़ने जाऊँगा, फिर सुबह ठंड हो जाती है अपने ब्लैंकेट के अंदर, यार आज नहीं कल जाएंगे। सोचना नहीं है इतना, जो करना है करो और चीज़ों को साथ में लेके आगे बढ़ते रहो। जो हमसे गलत कोई चीज़ गलतियाँ हो भी जाती हैं तो उनसे देखो सीखो, बैगेज कैरी नहीं करना है हमेशा, उसको पीछे छोड़ के अच्छी चीज़ लेके आगे बढ़ो, सीख के आगे बढ़ो और चलते रहो। मैंने तो हमेशा से यही ट्राई किया कि मैं इम्प्रूव करूँ, कुछ भी हो मैं इम्प्रूव करूँ। ठीक है मैं नहीं हूँ उतना, इतना लेवल नहीं है मेरा, लेकिन मैं इम्प्रूव करके थोड़ा तो बढ़ा सकता हूँ। हमेशा वो चीज़ ट्राई किया। अगर हम ये ट्राई करते रहेंगे तो इम्प्रूव ज़रूर करेंगे, और इससे आपका ना सिर्फ मेंटल, आप फिज़िकली और जो भी है ज़रूरी हर तरह से ग्रो करोगे। तो इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। कई कई बार हम अच्छा भी कर देते हैं तो हम सोचते हैं कि इतना बहुत है, उससे भी इम्प्रूव करें। देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हाँ ये परफेक्ट हो गया कि यही चाहिए, नहीं, इम्प्रूव। यही कुछ दो तीन टिप्स हैं, बाकी बी ट्रू टू योरसेल्फ। खुद से ही झूठ बोलोगे तो कहाँ से आगे जाओगे? दुनिया से बच सकते हो, लोगों से बच सकते हो, खुद से नहीं बच पाओगे कभी भी। बी ट्रू टू योरसेल्फ, प्रायोरिटाइज टाइम, बैलेंस एवरीथिंग, खेलो कूदो मजे करो बस। एक्चुअली और ये बहुत लाइफ वाले टिप्स भी हैं कि अगर हम ये वैसे भी मैनेज करके चलते हैं तो हमें एनडीए नहीं, हम कोई भी चीज़ आसानी से क्रैक कर सकते हैं, और कुछ भी लाइफ में एक अच्छे से अच्छी सिचुएशन भी हम इजीली लेट गो कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो आई थिंक काफ़ी कुछ कवर कर लिया उत्कर्ष हमने, और आपको इन पिछले जो मिनट्स हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने चीज़ें उठाने के लिए काफ़ी चीज़ें दिमाग में रख ली होंगी कि क्या क्या उन्हें लेकर आगे बढ़ना है। और बात तो करते रहेंगे आपसे हम, अभी आप जल्दी ही अपनी ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट करने वाले हो एयरफोर्स के लिए, तो आपके लिए, आपको उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से मेहनत करो जैसे आप अभी तक करते आए हो, उसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और एकदम बिल्कुल जुनून के साथ जो आपका रहा है अभी पासिंग आउट परेड में, वो फीलिंग ही अलग थी जब आपको अंतिम पग में जाते हुए वो करते हुए देखा सब कुछ। आई होप एक साल बाद आप जब पास आउट हो दोबारा से तो वो चीज़ें दोबारा से हमारे फ्लैशबैक हो और एक अलग ही लेवल पे आप यू नो अपनी लाइफ में पहुंचो। तो उन सब चीज़ों के लिए ऑल द बेस्ट, और थैंक यू सो ये सब इस सेशन के लिए आप लोगों को बताने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपसे फिर मिलेंगे हम एक साल बाद आपके नए एक्सपीरियंस के साथ और कुछ एक्सपीरियंस जो आपकी लाइफ में और जुड़े उनके साथ। अभी के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं, बट थैंक यू सो मच उत्कर्ष। सो उत्कर्ष शर्मा फॉर यू, एक्स ACC उत्कर्ष शर्मा फ्रॉम नेशनल डिफेंस अकेडमी साइनिंग आउट here. Thank you. The passing out parade is thus not the end, but a beginning.